तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना है, लिखना पड़ेगा साथ साथ, इज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है इसको एक बार समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में सपोज करो अगर मैं ग्राउंड से किसी बॉल को फेंकूं या अपने हाथ में पत्थर लूं, पत्थर को इस तरीके से एंगल पे फेंकूं, तो वो स्टोन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो वो स्टोन ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है लेकिन आगे तो बढ़ता ही जा रहा है। तो बेसिकली वो स्टोन आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है आधी जर्नी के लिए, फिर अगली आधी जर्नी के लिए वो नीचे भी आ रहा है और आगे तो जाते ही जा रहा है। तो ऐसी मोशन को 2D मोशन बोलेंगे क्योंकि एक्स में भी डिस्टेंस कवर हो रहे हैं और वाई में भी हो रहे हैं। तो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट नहीं हो सकता। ऐसे पत्थर को फेंकते हो तो वो स्ट्रेट ऐसे जाके ऐसे कभी नहीं आता, वो इस टाइप की मोशन फॉलो करता है, कर्व फॉलो करता है। इस कर्व को पैराबोला बोलते हैं मैथ्स में, और ऐसी बॉडी को जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करे उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल एक बॉडी का नाम है, बॉल, रॉकेट, कुछ भी, आप पेन, कुछ भी, जो कि जब फेंका जाए तो कैसा पाथ फॉलो करेगा, लाइक अ पैराबोला, तो वो एक प्रोजेक्टाइल है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप बिल्डिंग के टॉप से किसी एक बॉल को सीधा फेंको, आपने तो अपनी तरफ से सीधा फेंक दिया लेकिन जैसे ही वो आपके हाथ से छूट गया ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी तो वो आगे तो जाएगा ही जाएगा लेकिन साथ में नीचे भी आता है। जैसे बॉम्ब चलते हुए प्लेन में से कोई नीचे गिर दे तो बॉम्ब का जो पाथ है वो ऐसा होता है, वो आगे भी जा रहा होता है साथ में वो नीचे भी आ रहा होता है। तो दोनों चीजें इकट्ठी हो रही होती हैं। तो अगर आप उसकी ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, उसका रास्ता ज्वाइन करें, बनाएं, तो आपको वो ट्रेजेक्ट्री या कर्व या पाथ कैसे नजर आएगा, पैराबोला। तो ऐसी बॉडी को क्या नाम देंगे, प्रोजेक्टाइल। और जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, इसलिए चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल की मोशन। ठीक है यहां तक? बस दो चीजें बड़े ध्यान से देखनी है आपने, फिर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। कोई थ्योरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी अगली बार बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो थ्योरी अपने आप बन जाएगी सारी, आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। तो सबसे पहली चीज जो आपने बहुत ध्यान से देखनी है वो ये है कि सपोज आपने एक प्रोजेक्टाइल को या बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड से ऊपर प्रोजेक्ट किया। इनिशियली वेलोसिटी आपने 10 दे दी, बाद में क्या हुआ आपको मालूम नहीं है, 10 दे दी। और आपने सपोज कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया, एट एन एंगल ऑफ 30, राइट? तो वो ऊपर गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आया और फिर वो नीचे आ गया, ये पाथ फॉलो हो गया। अगर आप इनिशियल इनिशियल की बात करते हो तो यहां पर इनिशियली या तो आप बोलोगे कि मैंने बॉडी को 10 की वेलोसिटी दी, 30 डिग्री पे दी, या आप ऐसे बोलोगे कि मैंने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी दी, 10 cos 30, और वाई एक्सिस में कितनी की, 10 sin 30। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं? मैंने इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना लिए। तो मैं इसी डायग्राम को यहां बना रहा हूं कि आप ऐसे बोलोगे 10 cos 30 को सॉल्व करेंगे तो 10 into √3/2 यानी कि 5√3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 10 into 1/2 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप ऐसे बोलेंगे कि मैंने एक बॉल को इनिशियली वेलोसिटी दी 5√3 ताकि वो आगे जाए, और एक वेलोसिटी मैंने 5 दी ताकि वो ऊपर जाए। तो ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5, और आगे जाने की कितनी थी, 5√3, और बॉल ऐसे चले गई। मतलब उस डायग्राम को इजी करके ऐसे बनाया जाएगा इस चैप्टर में। यह बात सबको समझ में आ रही है? बात वही है लेकिन बोलना कैसे है? आपने ये नहीं बोला मैंने 10 वेलोसिटी दी, आपने बोलना है कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और
उसको ऊपर जाने की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मैंने 5, ताकि वो 5 के साथ ऊपर जाए लेकिन साथ की साथ वो आगे भी जाए, तो आगे जाने की वेलोसिटी कितनी है 5√3। और अगर आप इनका वेक्टर सम लें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से और ऐड करें पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, आपका फाइनल आंसर वापस क्या आएगा, 10 ही आएगा। ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया, कोई डाउट इसमें, कि जब आपने बॉल को फेंका तो ये याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन 2D के अंडर आता है, ये 2-डायमेंशनल मोशन है, इसमें एक्स में भी डिस्टेंस कवर हो रहा है और वाई में भी, इसमें आगे जाने की वेलोसिटी अलग है और ऊपर जाने की वेलोसिटी अलग है, राइट। तो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, हम एक्स को अलग पढ़ेंगे और वाई को अलग पढ़ेंगे। तो हमने इनिशियली बॉडी को ऊपर जाने की कितनी वेलोसिटी दी 5 और आगे जाने की कितनी दी 5√3। यहां तक नोट करो प्लीज, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के आएंगे सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करने हैं, उनके कंपोनेंट्स। हम एक्स में अलग सॉल्व करेंगे और वाई में अलग करेंगे, मतलब 1D 1D में करेंगे, एक्स 1D वाई 1D 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 कॉम्बिनेशन विल गिव 2D। ठीक है, याद क्लियर है। अब बहुत ध्यान से एक चीज देखना, ये बॉल जब ऊपर जाएगी, ध्यान से देखना है, ऊपर जाएगी तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी ग्राउंड पे ऊपर जाने के लिए, 5। सिर्फ देखना, ध्यान से देखना प्लीज, 5 वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां एक्ट करती है, नीचे, तो ऊपर जाने की वेलोसिटी कम 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 और कम होती जाएगी। कहने का मतलब अगले ही किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर एग्जैक्टली 0 हो जाएगी। मैं वाई एक्सिस की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां कर रही है, नीचे, और बॉल कहां जा रही है, ऊपर। एक्सिस क्या चल रहा है, वाई। अभी आधी वेलोसिटी, अभी आधा आंसर दे रहा हूं कि y एक्सिस की वेलोसिटी ऊपर जाते कम 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 0, फिर इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज, जो भी होगी इंक्रीज होती जाएगी। तो आधी जर्नी में y एक्सिस की वेलोसिटी जितनी भी थी वो कम होती जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर आधी जर्नी में वो 0 से बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर जाते जाते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी को कम करेगी, नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, राइट। एक्स एक्सिस की बात करते हैं, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे भी जा रही है और आगे भी तो जा रही है, तो एक्स एक्सिस देखो, हर इंस्टेंट पे बॉडी आगे 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 तो जा ही रही है, तो ये वेक्टर तो हमेशा आगे बनेगा, क्योंकि आगे तो बढ़ी रही है, पीछे तो आती नहीं। तो अगर इनिशियली एक्स के अलोंग वेलोसिटी 5√3 थी, तो यहां पर भी 5√3 5√3 5√3 5√3 एंड 5√3। कोई बताएगा कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रेविटी x एक्सिस में काम, फ्रिक्शन हम लेते नहीं, एयर की रेजिस्टेंस लेते नहीं, ग्रेविटी x में है नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सेलेरेशन ही नहीं है, और जब एक्सेलेरेशन नहीं है तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम, इसीलिए x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम, लेकिन y की वैल्यू आधी जर्नी में कम और आधी जर्नी में ज्यादा। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, तो जिसको ये देखना आ गया उसकी आधी मुसीबत तो ठीक हो गई, क्योंकि यही लोगों को देखना नहीं आता कभी कभी। पॉइंट समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि x में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो आगे तो बॉडी जा ही रही है। देखो, आपने इस क्वेश्चन में नेट वेलोसिटी के साथ काम नहीं करना,
आपने काम करने दो वेलोसिटी के साथ, वाई में अलग करने है, एक्स में अलग करने है। तो आपने ये बोलना है कि बॉडी आगे जा रही है किसी वेलोसिटी के साथ, वो आगे जाने की वेलोसिटी, एक्स की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है। वाई की वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है क्योंकि आधी जर्नी में ग्रेविटी जो है वेलोसिटी को कम करेगी और आधी जर्नी में उसे बढ़ाएगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? वेक्टर, वेक्टर वेक्टर ड्रॉ किए ना, वेक्टर ऐसे यहां पे, हवा में वेक्टर नहीं, ओके ठीक है। फिर से एक बार प्लीज सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसको अगली बार यूज करना है, बस समझा रहा हूं कि कैसे इस चैप्टर को आपने इमेजिन करना है, राइट? तो आपने इकट्ठा नेट के साथ काम नहीं करना, एक्स में अलग सोचना है, वाई में अलग सोच रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं और ध्यान से देखेंगे जतिन, फिर एक और एग्जांपल और ध्यान से देखते हैं क्या। सपोज करो एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, ये बहुत ध्यान से देखना प्लीज, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आपने एक बॉल को सीधा फेंका, सीधी एक्स में वेलोसिटी दी, आपने बॉल को एक्स में वेलोसिटी दी, आपने पत्थर को एक्स में फेंका विद 10 मीटर्स पर सेकेंड। शुरू में आपकी मर्जी चलेगी, टाइम टी इक्वल टू जीरो, आपने जैसे फेंकना है फेंक लो, उसके बाद तो इन्हें हवा में आ जाना है, हवा में आते ही ग्रेविटी ने अपना असर दिखाना ही दिखाना है, अल्टीमेटली आगे जाते जाते नीचे आनी भी स्टार्ट हो ही जाएगी। और लेट अस सपोज ये नीचे आती गई, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन, ये आगे भी जा रही है और ये नीचे भी आ रही है, समझ में आता है? तो डिस्प्लेसमेंट में ये y एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, y, और x में कितनी कवर करती है, तो ये दो डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली कवर कर रही है, x में भी कर रही है एंड y में भी कर रही है। कोई डाउट इसमें? ये भी समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा नेक्स्ट, जब ये इनिशियली फेंकी गई थी विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये बताओ कि उसकी इनिशियल चलते ही इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या थी? कितने लोग बोलते हैं कि जीरो थी? ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही कहा कि मैंने उसको कैसे फेंका था, इनिशियली अलोंग एक्स, मैंने उसको इनिशियली एक्स में फेंका था, तो मैंने वाई में तो नहीं फेंका, इसलिए उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी चलते ही क्या ली जाएगी? जीरो। लेकिन अगले ही इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज करती जाएगी, जैसे मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन वाई में। क्यों? क्योंकि वाई में क्या एक्ट करती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो ग्रेविटी वेलोसिटी को बढ़ा देगी, चाहे आपने इनिशियली जीरो रखा हो, आप तो चाहते हो सीधी चली जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसको नीचे आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्स की वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी आगे भी जा रही है नीचे भी आ रही है, ये नीचे आने की वेलोसिटीज हैं। अब आगे जाने की वेलोसिटी देखें, आगे आने की वेलोसिटी जब मर्जी आप देख लेना, इट विल रिमेन, क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो इसलिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बढ़िया हो गया,
एक्स में ना इसमें चेंज, एक्स में ना उसमें चेंज, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन नहीं है। तो बॉडी जब नीचे गिर रही होगी तो उसकी आगे जाने की वेलोसिटी तो हमेशा सेम रहेगी, 10 10 10 10 10, लेकिन नीचे आने की वेलोसिटी बढ़ती 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 ही जाएगी। ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? कर लिया वेक्टर, आता है डाउट है करण? ठीक है, ओके ओके। बस एक एग्जांपल लेंगे फिर इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि अगली बार चैप्टर फिर से करेंगे एक बार। तो लास्ट एग्जांपल है, मतलब इसी एग्जांपल के ऊपर बेस्ड है पहले तो, और आपने ही मुझे इसकी वैल्यूज को बताना है जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ध्यान से आपने आंसर देने हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में ये एक सपोज बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 1000 मीटर है, ठीक, गिवन 1000 मीटर। प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 10, और प्रोजेक्टाइल का पाथ अल्टीमेटली ऐसे ही बनने वाला है, सबको मालूम है, लाइक अ पैराबोला ऐसे ही होगा, क्योंकि वो आगे भी जाएगी और ग्रेविटी के इफेक्ट से वो नीचे भी आएगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी पूछा था कि उसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियली वाई एक्सिस के अलोंग वो क्या लेंगे, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा इट विल रिमेन सेम, ये तो चेंज नहीं होगी, एंड दिस विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज, जो भी होगी पता नहीं क्या होगी। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, और ग्राउंड पे बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, एक्स, वाई तो पता ही है आपको 1000, और यहां से एक्स, राइट? बताता हूं टाइम नहीं, मैंने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, अभी क्वेश्चन तो पूछूंगा, अभी एक्स निकालना है कितना आया, चेक करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये बॉडी कितने टाइम में नीचे आई। देखो एक चीज याद रखना, आप ये सारा कुछ देख रहे थे और आपने नोट किया कि टी टाइम में ये प्रोजेक्टाइल टॉप ऑफ द बिल्डिंग से नीचे गिर गया, तो टी टाइम में उसने एक्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, एक्स, और वाई में कितनी की, 1000। तो ये ना कहे कि 1000 मीटर तो T1 टाइम में हुआ और x मीटर T2 टाइम में हुआ, बॉल तो एक ही है ना, एक बार चली एक बार गिर गई, तो 1000 और x तो से साइमल्टेनियसली कवर किए, तो टाइम टेकन दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम। बस मेरा अब ये क्वेश्चन है कितने टाइम में ये नीचे आई, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि अगर मैं अपनी जर्नी को x एक्सिस में और y एक्सिस में डिवाइड कर लूं, बांट लूं अलग अलग, पहले देखना और फिर लिख लेना। मेरा पहला क्वेश्चन, ध्यान से इधर ध्यान इधर, मेरा पहला क्वेश्चन ये बताओ कि जब मैं x के अलोंग वैल्यूज पूछूंगा तो आपने एक्सिस हमेशा क्या देखना, सिर्फ
एक्स, आपने वाई को नहीं देखना, और जब मैं अपना क्वेश्चन वाई एक्सिस में पूछूंगा फिर आपने एक्स को नहीं देखना। तो ये बताओ एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टाइम टेकन कितना है टी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या रहेगी कितनी, राइट वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो जीरो, ठीक, एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 या 10 मीटर, एक ही बात है क्योंकि जी की वैल्यू इसमें जी ले रहे हैं हम, इसमें समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जी एक्स में नहीं है जी वाई में। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1000, क्योंकि हम तो वाई के डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ये वैल्यू सबको दिखाई दे रही है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब टाइम टेकन, हाँ टाइम टेकन वाई एक्सिस में 1000 डिस्प्लेसमेंट का गेन टी, राइट। अब ये क्वेश्चन ना ये 1D का अलग हो गया और ये 1D का अलग हो गया, और जब कंबाइन करेंगे तो 2D मोशन सॉल्व हो जाएगा। हमारा मेन काम प्रोजेक्टाइल में एक ही होता है कि एक्स एक्सिस की वैल्यूज को अलग छांट लेना और वाई को अलग छांट लेना, ये हो गया। अच्छा ये बताओ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, मोशन इन 1D में बताओ कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एस इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, तो एक्स में तो इक्वेशन ही एक अप्लाई करनी है एस इज इक्वल टू वीटी। लेकिन वाई एक्सिस में आ जाओ, वाई एक्सिस में देयर इज सम एक्सेलरेशन, यू कैन अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as और एस इज वी यू टी प्लस हाफ या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज देयर इज सम एक्सेलरेशन। मुझे टाइम निकालना नीचे गिरने का, तो एक काम करते हैं हम ना वाई एक्सिस में ही लेते हैं, ये जरूर लिखा करो क्वेश्चन के ऊपर कि वाई में काम हो रहा है या एक्स में, तो अगर वाई में काम हो रहा है तो इन वैल्यूज के साथ करेंगे, एक्स में हो रहा है तो उनके साथ करेंगे। तो वाई एक्सिस में यू कैन अप्लाई एस इज यू टी प्लस हाफ, बोलो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1000, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो, एक्सेलरेशन कितनी है और टाइम हमने निकालना है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 200 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 इनटू, ये लो टाइम आ गया, यहां तक लिखो, पॉइंट समझ में आ रहा है कि टाइम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके, टाइम की वैल्यू क्लियर है, और टाइम की वैल्यू जो वाई में आई वही किस में आएगी एक्स में, वो सेम रखनी है, वो नहीं चेंज होगी, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है। अच्छा अब मुझे ये बताओ सेकंड क्वेश्चन, इस बॉडी ने कितना एक्स कवर किया, राइट। अब सबसे पहली चीज, एक मिनट, मेन पॉइंट आंसर नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि जब मैंने पूछा कि कितना एक्स डिस्टेंस कवर किया तो किस एक्सिस में काम करना है, वाई में करोगे कि एक्स में, ठीक है, तो आप एक्स एक्सिस में काम करोगे और आपको क्या निकालना है एक्स, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, एस इज इक्वल टू वी टी, तो बोलो एस की जगह क्या पुट करोगे एक्स, और वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी इसमें सेम 10, और टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो एक्स कितना आ गया 100, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। जब x की वैल्यू पूछी जाए तो x में चले जाओ, जब y की वैल्यू पूछी जाए तो y में चले जाओ, और जब टाइम पूछा जाए तो किसी में भी चले जाओ, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक,
और एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये क्लूज है, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये समझ में आ जाता है। 10 ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर ही दोगे एक अकेले से। हाँ ऐसे यही चल, प्रोजेक्ट खत्म है बस इसके साथ, ये कुछ नहीं, अगली बार को समझ में आ जाएगा, ये तो 15-20 मिनट का काम है बस, उसके बाद तो प्रैक्टिस है सिर्फ। ध्यान से देखना कितनी वेलोसिटी से, ये देखो क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, जब इसने ग्राउंड को हिट किया तो कितनी नेट वेलोसिटी, मैंने पूछा कितनी टोटल वेलोसिटी से हिट किया, तो ये टेढ़ा ऐसे हिट करेगी बॉल, ये मुझे निकालना है नेट वेलोसिटी। कोई कहेगा सर ये क्या चक्कर है, ग्राउंड के अंदर जाके क्यों बॉल को बना रहे हो? देखो वेक्टर इमेजिनरी है, बस हम ये शो करते हैं कि बस इस डायरेक्शन में हिट किया। फिर कोई ये कहेगा सर वहां तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो तो ग्राउंड पे आ गया। नहीं ऐसे कैसे जीरो होगी, क्रिकेट की लेदर की बॉल आ रही है, आप उसको कैच करके देखो, ऐसे अपना हाथ कर लो, देखो आपको हिट करेगी बहुत जोर की, इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हिट तो करेगी, कम से कम हिट करने की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। और कैसे करेगी, अगर तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से गिरती है फिर तो वेक्टर सीधा नीचे बनता है, ऐसा इमेजिनरी बनाना है तो ऐसे बना दो राइट, और अगर टेढ़ी है तो फिर ये ग्राउंड है टेढ़ा बना दो राइट, तो ऐसे बना देना, इमेजिनरी बना देना, कोई चक्कर नहीं। तो आपको ये बताना है कि नेट वेलोसिटी उसकी क्या होगी। अब ये जो नेट वेलोसिटी है ये किसकी बनी हुई है, एक एक्स एक्सिस की वेलोसिटी विच इज 10, और एक क्योंकि मैंने बोला वाई एक्सिस की वेलोसिटी विल इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज, तो मान लो वाई एक्सिस की वेलोसिटी, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग अलग वेलोसिटी है, एक्स में अलग वेलोसिटी है, तो एक्स की वेलोसिटी तो कभी चेंज होती नहीं, वो तो 10 रहेगी। अगर मैं आपको वी वाई बता दूं कि उसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी पहले जीरो था, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और लास्ट वैल्यू उसकी क्या थी, वी वाई, तो आप नेट वेलोसिटी बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज आपस में 90 पे हैं, तो नेट वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या बाय पाइथागोरस, 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं, तो नेट वेलोसिटी समझ में आया कैसे आएगी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये समझ में आया यहां तक, देखो यहां तक, तो नेट वेलोसिटी के लिए मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा, वी वाई। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर नेट वेलोसिटी पूछेगा तो नेट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले लेने हैं, एक तो पता ही होता है और दूसरा निकालना है, ये निकल गया तो फिर नेट वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक, साफ काम, ये जो लिखा ना लिखा बराबर ही है, इन नोट्स तो है नहीं। अच्छा घर में करेगा, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, हाँ जी समझ में आ रहा है यहां तक। अच्छा ये बताओ वी वाई निकालने हमें, वी वाई का मतलब एक्सिस कौन सा है, एक्स की वाई वाई, तो हम सारी वैल्यूज इसकी यूज करें वाई एक्सिस की। देखो कैसे, जब ये बॉडी चली थी तो इसकी y की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, देखो अब सिर्फ y को देखना कुछ नहीं देखना, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, तो यानी कि अब इक्वेशन किस एक्सिस में लगेगी, y में, y में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, वी वाई, और कितने टाइम में बॉडी नीचे आई, 10 रूट टू में, जीरो से लेके, सिर्फ ये देखना है जीरो से लेके क्या हो गया, y फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में राइट, यहां तक क्लियर है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू नीचे आने की कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड का, तो u कैन अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, vy, इनिशियल कितनी, 0, 10 और टाइम कितना, 10, तो वेलोसिटी आ गई 100 रूट। ये स्टेप समझ में आया कि y एक्सिस में u कैन अप्लाई v इज u प्लस 80, देखो मोशन वांडी बन गया ना, वाई एक्सिस का मतलब मोशन वांडी, बट दैट्स इट। तो आपको इनिशियल वाई एक्सिस की वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, एक्सेलेरेशन पता है, टाइम पता है, वी यू प्लस 80 से सीधा क्या आ गया, वी ऑफ वाई आ गया। समझ आया ये वी वाई कैसे आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, वी वाई कितना है, 100 रूट 2 का स्क्वायर प्लस
टेन का स्क्वायर सॉल्व कर लेना आंसर। मेथड समझ में आया? पहले ये बताओ कि नेट वेलोसिटी सीधी नहीं निकलेगी, नेट वेलोसिटी के लिए आपको दो कंपोनेंट्स अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे और फिर पैलोग्राम से उन्हें मिलाना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगली बार फिर से सेम एग्जाम्पल करवाऊंगा किसी और फॉर्म में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट?